हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन तो देख लिया, अभी साथ में इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं ना। डिफरेंशिएशन देख लिया तो अभी इंटीग्रेशन क्यों छोड़ दे? देखो, डिफरेंशिएशन क्यों देखना पड़ा? क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए थी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन चाहिए था। क्योंकि अगर आपको पोजीशन का फंक्शन दिया जाता है, लेट से आपको एक्स ऑफ टी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वी ऑफ टी निकालने के लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? मुझे अगर वी चाहिए, वी इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर मैं समझाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे अगर एक्स दिया गया है और मुझे वी निकालना है तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है ना, यस और नो? लेकिन जरा सोचो कि अगर मुझे v दिया गया है और x निकालने को बोले तो क्या करोगे? सोचो। अरे सोचो, अगर मुझे उल्टा पूछे, मतलब x दिया है और v निकालने को बोले, तो समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन सोचो, अगर v दिया गया है और x निकालने को बोले तो क्या करोगे? तो उसके लिए बच्चों हमें इंटीग्रेशन भी पढ़ना पड़ेगा, यस और नो? क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है ना, सीधा ऑर्डर या उल्टा ऑर्डर। एक्स पूछा, सॉरी, एक्स दिया है, वी निकालने को बोलेंगे तो डिफरेंशिएशन कर दो। लेकिन अगर मुझे वी दिया गया है और एक्स निकालना है तो मुझे बच्चों यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या, ठीक है? इंटीग्रेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। वो क्या है? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। कैसे? मैं समझाता हूं। कैसे वो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, मैं समझाता हूं। ध्यान से देखते जाए, यहां पे ध्यान से देखते जाए बच्चों। मान लो मुझे ना एक एक्स ऑफ टी दिया गया है और मैं ना उसकी वेलोसिटी निकालता हूं, मतलब कि मैं यहां पे लिखता हूं वी इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, डी एक्स बाई डी टी, या फिर मैं इसको बोलूंगा डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी, है कि नहीं? ठीक है, यही होता है। अभी एक काम करो, यहां से एक्स ऑफ टी की वैल्यू बनाओ। अगर मैं एक्स ऑफ टी की वैल्यू बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे डी बाई डी सॉरी डी टी को मुझे यहां पे ले जाना पड़ेगा, और ये जो अकेला डी है ना उसको यहां पे डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। यही होगा ना, यस सुनो? अगर मैं एक्स ऑफ टी की वैल्यू बनाना चाहूं तो यहां पे क्या होगा पता है? ये हो जाएगा वन अपॉन डी एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई डी टी। नहीं समझ में आया? देखो, डी टी यहां पे गया न्यूमेरेटर में, तो मल्टी सॉरी एक्स ऑफ टी लिखा है, इसलिए समझ में नहीं आया होगा, गलती से लिख दिया एक्स ऑफ टी नहीं, वी वी इंटू डी टी। अब समझ में आया? सो डी टी यहां पे जाएगा और ये वाला जो डी है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास होगा क्या? एक्स ऑफ टी की वैल्यू आएगी वन अपॉन डी वी इंटू डी टी। जरा ध्यान से समझना, ये जो वन अपॉन डी है ना, क्या मैं इसको डी इनवर्स बोल सकता हूं? भैया वन अपॉन डी है तो इसको मैं डी इनवर्स भी तो बोल सकता हूं, तो ये हो गया डी इनवर्स वी डी टी। बच्चों, ये जो डी इनवर्स है ना, इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है इंटीग्रेशन। ये क्या है? इंटीग्रेशन। तो ये जो डी इनवर्स है ना बच्चों, उसी को इंटीग्रेशन बोला जाता है, उसी को इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो क्लियर हुआ पॉइंट? तो कई बार होता क्या है कि हमें वी दिया जाता है, हमें अगर x दिया गया है और v निकालना है तो सीधा डिफरेंशिएशन कर दो। लेकिन सोचो कि उल्टा दिया गया, मतलब कि v दिया गया है और मुझे x निकालने को बोला है, तो अब मैं क्या करूंगा? तो अब मुझे उल्टी प्रोसेस, ये डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन किए थे तो अभी मुझे यहां से उल्टा जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। भाई बाय रूल ये मुझे बोल रहा है, ठीक है? मैंने क्या किया यहां पे, मुझे v दिया गया है, सोच लो कि मुझे v दिया गया है और मुझे x ऑफ t निकालना है, तो बाय रूल मुझे क्या करना पड़ेगा? x ऑफ t की वैल्यू बनानी पड़ेगी। और जैसे ही x ऑफ t की वैल्यू बनाओगे तो मुझे क्या मिला यहाँ पे? वन अपॉन डी वी टाइम्स डी टी, यस और नो? और ये जो वन अपॉन डी, इसको मैं क्या बोलू? डी इनवर्स, जिसको इनवर्स, ये डी इनवर्स डिफरेंशिएशन का इनवर्स, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। यही तो मैथमेटिक्स में क्या है? इंटीग्रेशन है, बात खत्म। ये इंटीग्रेशन है। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, यस। इनवर्स मतलब कि डिफरेंस है उसका इनवर्स कर नहीं, वो रिवर्स प्रोसेस होती है। डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस करोगे ना तो उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। क्लियर है? उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो उसका एक स्पेसिफिक सिंबल है, जैसे डी बाई डी टी तो ये डिफरेंशिएशन दिखाता है, वैसे इंटीग्रल ये एक सिंबल है इसका, इंटीग्रल, ठीक है? इंटीग्रल एनडीटी।
वहां पे डी बाई डी टी समथिंग, यहां पे एक फंक्शन लिखते थे। तो ये सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंशिएशन का। ये डी टी शो करता है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और ये डी शो करता है डिफरेंशिएशन या फिर वेरिएशन, स्मॉल छोटा सा वेरिएशन। यस नो? इसी तरह यहां पे सिंबल थोड़ा चेंज होगा। यहां पे फंक्शन लिखेंगे, आगे लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो ये जो साइन है वो इंटीग्रेशन के साइन, जैसे कि यहां पे डी लिखा था वो डिफरेंशिएशन शो करता था, यहां पे ये साइन इंटीग्रेशन शो करेगी। ये डीटी क्या शो करता था, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है वो, यहां पे भी डीटी क्या शो करेगा, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वो। ठीक है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जस्ट है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन देखेंगे। यस नो? जैसे कि वहां पे भी हमारे लिए जो भी वेरिएबल था वो टाइम था, यहां पे भी हम वही मानेंगे कि टाइम ही हमारे लिए वेरिएबल क्वांटिटी है। तो बच्चों अभी हमारे लिए इंटीग्रेशन कैसे डिफरेंशिएट, सॉरी कैसे शो करेंगे इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन को कुछ ऐसे शो करेंगे। इंटीग्रेशन वहां पे डी बाई डी टी होता था, तो हाँ यहां पे क्योंकि वो वेलोसिटी निकालने के लिए हम डीएक्स बाई डी टी करते थे, यहां पे हम क्या करेंगे एक्स ऑफ टी निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यस नो? ये पूरा नोटेशन है। एक्स ऑफ टी निकालना है तो वो क्या होगा, इंटीग्रल वी ऑफ टी डी टी, जहां पे वी ऑफ टी क्या होगा, ये वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एक्स ऑफ टी मिलेगा, मतलब ये वाइसा वर्सा प्रोसेस है। ठीक है, एक्स से वी निकालना है तो डिफरेंशिएशन लगाओ, और अगर वी से एक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन लगाओ। समझ में आया? यस और नो? ये वाइसा वर्सा प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी जैसे डिफरेंशिएशन किया था तो वहां पे भी उसके रूल्स रेगुलेशन थे ना, तो यहां पे भी अगर इंटीग्रेशन है तो उसके भी तो रूल्स बनेंगे, उसके भी रूल्स रेगुलेशन आएंगे, उसके भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होंगे, इंटीग्रल होंगे। यस नो? जैसे वहां पे स्टैंडर्ड डेरिवेशन था वैसे यहां पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल होंगे। क्वेश्चन आता है ना कि भैया साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस एन टी। वैसे यहां पे अगर इंटीग्रेशन करने की बात आए तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t का इंटीग्रेशन, सॉरी log t का इंटीग्रेशन तो यहां पे नहीं देखेंगे, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि वहां पे हमें उसका UV रूल अप्लाई करना पड़ता है और वो हमारे लिए फिजिक्स में नहीं है। यस नो? तो डोंट वरी अबाउट इट, यहां पे डिफरेंशिएशन भी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन भी नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन भी नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस नो? हमारे लिए फिजिक्स में जितना लिमिटेड है ना उतना ही देखेंगे, बाकी सारी जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे मैथमेटिक्स में देखेंगे वो अलग चीज है। ठीक है, उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे मैं कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा, हमें सिर्फ फिजिक्स में इंटीग्रेशन का जितना रोल है ना उतना देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। तो पहले तो ये समझ में आया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, जैसे वहां पे होता था वी is equals to dx by dt, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था डिफरेंशिएशन का। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन, x का ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे बोलूंगा, x का डिफरेंस, ये t क्या शो करता है, डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। तो सिमिलरली यहां पे इंटीग्रेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये है, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। v का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, ये ऐसा शो करता है v का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ज्यादातर हमारे केस में ना वेलोसिटी से x निकालने को बोलेंगे या फिर एक्सीलरेशन से v निकालने को बोलेंगे, तब हमें ये इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। मतलब कि सीधा ऑर्डर है, आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट, सीधा ऑर्डर है तो डिफरेंशिएशन, उल्टा ऑर्डर है तो इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, उसका भी प्रूफ देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, क्यों उसका उल्टा, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, वो सारी चीजें समझाता हूं। ठीक है, उसके पहले क्या इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी देख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रल जैसे वहां पे देखे थे ना, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशियल, सॉरी टी टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, वैसे यहां पे भी देखेंगे। मान लो बच्चों मुझे बोला गया ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, इतना तो आएगा ही, जैसे वहां पे d by dt कॉमन आता था और जो फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होता था वो यहां पे लिखते, वैसे यहां पे भी ये कॉमन टर्म आने वाली है। यस और नो? तो यहां पे मान लो बच्चों मुझे बोला गया कि t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चों t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन, सॉरी बार बार डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होगा t टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है,
प्लस सी। अभी ये सी का क्या जोल है वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, सॉरी इसकी अलग स्लाइड है उसमें मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो, जैसे वहां पे हमने टी टू दी पावर एन का डिफरेंस लिखा था एन टी टू दी पावर एन माइनस वन, उसी तरह यहां पे भी आपको इसको अज्यूम कर लेना है, ठीक है। इसको आपको अज्यूम कर लेना है कि ये एक स्टैंडर्ड रूल है। अगर मैं इसका प्रूफ देना चाहूं तो दे सकता हूं, ये कहां से आया वो सारी चीजें मैं बता सकता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना कहां से आया ये सारी चीजें मैं बता सकता हूं, इसका प्रूफ देता हूं। चलो इस एक का प्रूफ दे देता हूं, बाकी सारे प्रूफ आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं एक का प्रूफ देता हूं। बच्चों मान लो कि मुझे बोला गया टी टू दी पावर एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन निकालो, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके तो मैं डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा पता है बच्चों, टी टू दी पावर एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन, अभी नहीं मत बनो, आपको पता है पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, सो एन प्लस वन माइनस वन, एक पावर कम हुआ तो वन वन चम्मा चम्मा, मतलब बचा क्या एन प्लस वन इंटू टी टू दी पावर एन। So, यहां पे मुझे क्या मिला d by dt of t to the power n plus 1 मुझे मिला n plus 1 times t to the power n। अभी जरा सोचो यहां से मैं dt को यहां ले जाऊं और d को भी वहां पे ले जाऊं तो यहां पे t to the power n plus 1 का वैल्यू क्या होगा n plus 1 into dt को वहां ले गए so, ये हो गया dt और d को डिनोमिनेटर में ले गए तो ये हो गया 1 by d। ये सुनो ये n plus 1 को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा t टू दी पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, दैट इज बच्चों 1 बाई डी, मतलब कि d इनवर्स, और d इनवर्स का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। तो आई बात समझ में कि टी टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्यों ये लिखा मैंने, ये डिफरेंशिएशन से हम निकाल सकते हैं, मैंने बोला वाइस वर्सा, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, समझो यहां पे देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, समझ रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, क्लियर है पॉइंट, यस नो, ऐसे ही देखना होता है नहीं तो रूल में ना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ दे दिया, खैर ये आप बाकी सारे प्रूफ ना और वहां से भी अपने आप ट्राई करना, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है। अभी सर यहाँ पे प्लस सी क्यों है, इसका जोड़ में सारी चीजें समझाऊंगा, पहले थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा क्यों यहाँ पे हम प्लस सी लिखते हैं, क्यों प्लस सी लगाते हैं, उसके पीछे का राज क्या है वो सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया नंबर वन। नंबर टू सेकंड, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, e टू दी पावर t का भी इंटीग्रेशन e टू दी पावर t प्लस c होगा, यस नो, जैसे e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर t था तो यहां पे e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन भी क्या होगा वही होगा, यस नो। समझना हो तो आप समझ सकते हो, वापिस इसका प्रूफ देना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी दे देता हूं। मान लो ये डिफरेंशिएशन e टू दी पावर t है, यहां से dt को यहां ले जाओ d को यहां ले जाओ तो सीधा लिखूंगा, तो सीधी बात नो बकवास, ये हो जाएगा e टू दी पावर t इंटू डी टी और ये d डिनोमिनेटर में गया तो ये हो जाएगा d इनवर्स, तो d इनवर्स को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, तो देख लो इंटीग्रेशन भी क्या होगा वही होगा, यस नो, इंटीग्रेशन भी क्या होगा वही होगा, क्लियर है यहां तक पॉइंट, ठीक है। चलो तो ये सेकंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये हमारा सेकंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ठीक है। चलिए नंबर थ्री, जितने हमारे लिए इंपोर्टेंट है उतने ही देखेंगे। इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी क्या होता है, तो इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी होता है बच्चों लॉग टी प्लस सी, क्या होगा लॉग टी प्लस सी, क्लियर है। चलो सिमिलरली नंबर 4, इंटीग्रल कॉस टी डी टी क्या होता है, तो इंटीग्रल कॉस टी डी टी होता है बच्चों यहां पे ध्यान से सुनना, इंटीग्रल कॉस टी होता है साइन टी डी टी, ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन लगाने जाओगे तो वो प्लस साइन होगा, ये ध्यान रखना नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, यस नो। नंबर 5, इंटीग्रल साइन टी डीटी क्या होता है, तो इंटीग्रल साइन टी डीटी बच्चों हम लिखेंगे इसको यहां पे, इंटीग्रल साइन टी डीटी इज इक्वल टू माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, वाइसा वर्सा, मैंने क्या बोला जैसे यहां पे अगर मैं बोलूं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ध्यान से सुनना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा, ठीक है। तो ऐसे याद किया जा सकता है इसको, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ई टू दी पावर टी होगा, टी टू दी पावर एन, ज्यादातर हमें दो ही यूज होने वाले लेकिन फिर भी एक अकेला नंबर 6 याद कर लेते हैं, इंटीग्रल बच्चों सेक्स स्क्वायर टी, सेक्स स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर टी डी टी इज नथिंग बट इक्वल टू
टेन टी प्लस सी, बाकी सारे जितने डिफरेंशिएशन वगैरह है ना उसके ऊपर से आप यहां पे उसका इंटीग्रेशन खुद से ट्राई कर सकते हो। अभी कैसे याद रखोगे, ये इतने हैं, इसमें से याद कितने रखने वो भी समझा देता हूं। एक तो पहला वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम यही यूज होने वाला है, दूसरा ये, और तीसरा ये नहीं, तीसरा वाला जो भी आएगा वो साइन एंड कॉस। ठीक है, ठीक है, ये दोनों को, मतलब टोटल चार, यहां पे भी टोटल चार आपको याद रखने हैं, ये इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी आप इसको याद कैसे करो, क्योंकि कहीं ना यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन आ जाएगा, तो वो कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं आपको ना एक ही रूल याद रखने को बोलूंगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो उसको याद कर लो। जैसे कि अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना कि मेरे पास कॉस टी है, अगर आपको कॉस टी का डिफरेंशिएशन पता है तो वो याद कर लो, cos t, और फिर क्या करना है, वाइसा वर्षा ही करना है, cos t का डिफरेंशिएशन, ऐसे एरो लगाए, एक एरो ऐसे लगाओ, एक एरो ऐसे लगाओ, ठीक है, cos t का ये वाला जो ऊपर वाला एरो है ना उसको d by dt लिखो, और नीचे वाला जो एरो है उसको इंटीग्रल dt लिखो। ठीक है, तो अगर cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t है तो sin t का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t होगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जस्ट घूमते रहना है, यस नो, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो sin t का इंटीग्रेशन क्या, क्योंकि माइनस साइन नहीं बोला ना मैं यहां पे, मैं sin का इंटीग्रेशन पूछा, माइनस sin का थोड़ी पूछा, sin का पूछा, तो माइनस यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये कितना होगा, माइनस cos t, क्लियर है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो sin का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos होगा। क्लियर है यहां तक पॉइंट, आया कि नहीं आया समझ में, यस और नो। अच्छा, दूसरा वाला अभी साइन की बात करेंगे। अगर आपको साइन का डिफरेंशिएशन पता है तो उसको याद करो, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी, तो ध्यान से देखना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस टी, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या, साइन टी, है कि नहीं, ऊपर वाला एरो डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एरो इंटीग्रेशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या, साइन टी, क्लियर है ये पॉइंट, तो ऐसे याद करना है आपको, यस और नो, हो जाएगा, याद हो जाएगा, नहीं तो रट्टा मार लो, और कोई चांस नहीं है हमारे पास, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया स्टैंडर्ड इंटीग्रल, जिसमें से चार है जो आपको याद करने हैं, याद रखने ही पड़ेंगे, यस और नो, कोई चारा नहीं है। अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट रूल, जैसे कि इंटीग्रेशन, वहां पर डिफरेंशिएशन में भी अगर दो फंक्शन का एडिशन है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन है तो क्या होता है, यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन में नहीं पढ़ेंगे, डिवीजन में तो आता ही नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में नहीं पढ़ेंगे, वो मैथमेटिक्स वाले बच्चे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, हमें उतना डीप में इंटीग्रेशन फिजिक्स में नहीं आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो हम सिर्फ यहां पर दो तीन रूल ही पढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर एडिशन, एडिशन के लिए बच्चों मान, अच्छा कलर चेंज कर लेता हूं, बच्चों मान लो यहां पे मुझे दो फंक्शन दिए गए हैं, पहला फंक्शन है f ऑफ t और दूसरा है g ऑफ t, और मुझे बोला गया कि इन दोनों के एडिशन का इंटीग्रेशन करो, क्या करो, इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बच्चों जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन को हम सेपरेट कर सकते थे, वैसे यहां पे भी इंटीग्रेशन को आप सेपरेटली अप्लाई कर पाओगे, तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रल f ऑफ t dt प्लस इंटीग्रल g ऑफ t dt, इंटीग्रल जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन की बात करूं, मान लो कि मुझे दो फंक्शन दिए गए हैं और उसके सब्ट्रैक्शन का मुझे यहां पे इंटीग्रेशन करने को बोला है, तो यहां पे जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन में हम वहां पे करते थे ना कि अगर सब्ट्रैक्शन है तो डिफरेंशिएशन सेपरेट हो सकता था, सेपरेटली हम अप्लाई कर सकते थे, वैसे ही यहां पे इंटीग्रेशन में भी आप उसको सेपरेटली अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रल जी ऑफ टी डी टी, तो यहां पे भी आप उसको सेपरेटली लगा सकते हो, जैसे डिफरेंशिएशन सेपरेट हो सकता था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, वैसे इंटीग्रेशन भी यहां पे सेपरेट हो सकेगा, यस और नो। एक तीसरा रूल है मल्टीप्लीकेशन के लिए, यूवी रूल जिसको बोला जाता है, उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एल आई ए टी करके एक उसका सेपरेट भी होता है, मतलब कि यू किसको लेना, वी किसको लेना, उसके लिए हमारा और एक रूल भी है, लेकिन वो हमें काम का नहीं है, ये सुनो, मतलब कि हमारे लिए फिजिक्स में उतने लेवल के, डेप्थ लेवल के हमें कभी इंटीग्रल नहीं आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, वो नहीं देखेंगे, और डिवीजन के लिए इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए हम, हमारे लिए यहाँ पे दो रूल अलग हो गए, मतलब दो रूल कम हो गए, हमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही देखना है। तीसरा रूल जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तीसरा रूल कांस्टेंट वाला। बच्चों मान लो कि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो उसके साथ क्या होगा,
इंटीग्रल के एफ ऑफ टी डी टी क्या होगा? तो बच्चों जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन में हम के कांस्टेंट को बाहर ले सकते थे, वैसे यहां पे भी आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, ठीक है? तो कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका हुआ? सिर्फ एफ ऑफ टी डी टी का होगा, यस और नो? तो ये हो गया थर्ड रूल। एंड द लास्ट वन, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल ध्यान से देखना, फोर्थ रूल बच्चों, वहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लगाया था हमने, याद करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लगाया था जीरो, क्योंकि कांस्टेंट कभी वेरी नहीं होता है, यस और नो? लेकिन यहां पे अगर मैं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने जाऊं ना, तो वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा, ध्यान से समझना, वो जीरो नहीं होगा। तो बच्चों कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, जैसे कि मैं कांस्टेंट को ना वन मान लेता हूं, मान लो कि वन एक है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो याद रखना है बच्चों, वन का इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, वो वेरिएबल खुद यहां पे आंसर के तौर पे आएगा प्लस सी। मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूं इंटीग्रल 1 dx, तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो यहां पे x प्लस सी। अगर यहां पे z होता तो z प्लस सी, अगर यहां पे p होता तो p प्लस सी होता, समझ रहे हो? तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। मतलब कि यहां पे कांस्टेंट के इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा, अब से कांस्टेंट के इंटीग्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगा। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है? जो कांस्टेंट है, जैसे कि मैं मान लो कि मुझे ऐसा दिया गया कि भैया सिर्फ कांस्टेंट के डी टी करो, कांस्टेंट के डी टी, तो मैं क्या करूंगा, बाय द रूल नंबर 3 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा? वन का होगा, और वन का इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, वही वेरिएबल आंसर के तौर पे आएगा। मतलब कि ये हो जाएगा टी, यस और नो? प्लस लगा दिए, सॉरी, ये हो जाएगा के तो बाहर आ गया, वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है? टी होता है, तो ये हो जाएगा के टी प्लस सी, तो इसका आंसर क्या आएगा? के टी प्लस सी आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सिंपल ही है, यस और नो? अभी कैसे ये टी आया, मतलब कैसे मैं वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी बोल सकता हूं, कैसे बोल सकता हूं? इसके पीछे का भी प्रूफ है, इसके पीछे का भी प्रूफ है, ध्यान से देखते जाओ, इसका प्रूफ देता हूं मैं, ध्यान से देखते जाओ इसका प्रूफ, ठीक है? इंटीग्रल 1 dt, बच्चों क्या ये 1 को मुझे लिखना है तो t टू दी पावर 0 लिख सकता हूं क्या मैं? 1 का मतलब क्या होता है? एनीथिंग रेस टू 0 भी तो 1 है ना, एनीथिंग रेस टू 0, मैं अगर लिखूं कि ये 1 dt मैंने लिखा, तो कहीं ना कहीं मैं यहां पर यह लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट इंटीग्रल 1 की जगह पर मैं क्या लिखूं, t टू दी पावर 0, so it is t to the power 0 dt, है कि नहीं? ये लिख सकता हूं कि नहीं? तो ये तो t to the power n वाला रूल लगेगा ना यहां पे, देखो t to the power n dt क्या होता है, एक पावर इंक्रीज हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में इंक्रीज हुआ पावर लिखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे, एक पावर इंक्रीज करो और जो इंक्रीज हुआ वही पावर को डिनोमिनेटर में लिखो, यही रूल होता है ना, यस और नो? तो यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पावर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 और जो इंक्रीज हुआ पावर है वही मुझे डिनोमिनेटर में लिखना है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस सी। जरा सोचो, 0 प्लस 1 तो 1 ही होता है ना, तो ये हो गया टी टू दी पावर 1, और किसी का 1 पावर है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है, डिवाइड बाय 0 प्लस 1 भी क्या होगा, 1, तो आ गया ना ये टी प्लस सी, है नहीं? तो ये आया रूल नंबर 1 से, लेकिन हमें शॉर्ट में ये याद रखना है कि 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होता है, x के रिस्पेक्ट में x होता है, z के रिस्पेक्ट में z होता है, ठीक है? क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट, यस और नो? तो इतने हमारे रूल हैं जो आपको याद रखने हैं इंटीग्रेशन के लिए, कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। यहां पे रूल मैंने इसीलिए आपको ऐसे ही समझाया जैसे वहां पे समझाया था, ठीक है? मैंने उसको लिंक में रख के ही समझाया, डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन में भी एडिशन में आप सेपरेटली डिफरेंशिएशन लगा सकते हो, वैसे ही यहां पे इंटीग्रेशन भी सेपरेटली लगा सकते हो। वहां पे सबट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन भी सेपरेटली लग सकता था, यहां पे भी सेपरेटली लगा सकोगे। वहां पे भी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता था, यहां पे भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से, सॉरी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बस चौथा जो भी रूल है ना, फोर्थ नंबर वाला रूल, वहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो रहता था, यहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। वन का डिफरेंशिएशन, सॉरी, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट, बार बार डिफरेंशिएशन बोला जा रहा है यार, बोल से गलती से, ठीक है? हाँ, वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी होगा, x के रिस्पेक्ट में x होगा, मतलब कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वही आपको यहां पे आंसर के तौर पे लगाना है। किसका इंटीग्रेशन? 1 का। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इतना याद रहेगा, अगर इतना याद रहेगा
तो आपके लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो सी का जो भी जोल है ना वो देखते हैं। बच्चों ये सी का क्या जोल है, वाई प्लस सी इज देयर, क्यों हमें बार बार यहां पे प्लस सी करना पड़ता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसका आंसर मैं देता हूं आपको, प्रूफ पूरा देता हूं, ध्यान से देखते जाएगा, ध्यान से देखते जाएगा, पूरा प्रूफ हम देंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा। हाँ, तो मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, ध्यान से देखना, मैंने एक फंक्शन लिया, लेट से इट इज एक्स ऑफ टी। क्या लिया मैंने, ये टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री। ठीक है बच्चों, मैंने बोला कि यहां पे इसके रिलेटेड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। क्या निकालने को बोला गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए निकालते इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको तो पता ही, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ेगा। किधर गया पॉइंटर भाई, अच्छा यहीं पे। तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स ऑफ टी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा इट इज डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेर प्लस टू टी प्लस थ्री। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का एक रूल है कि डिफरेंशिएशन सेपरेटली एडिशन में लगा सकते हैं, तो मैं इसको सेपरेट कर दूं, तो ये d by dt of t square plus, और एक रूल है कि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, into t plus d by dt of 3। ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा। अभी देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इट इज जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अच्छा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों टू टी। यस ना, आपको पता है, अभी नए मत बनो भाई। टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वन। तो ये हो गया बच्चा टू, टू इंटू वन टू ही होगा ना। तो देखो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, 2t plus 2। ठीक है, तो वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे अच्छे से है, रेक्टेंगल भी नहीं बना पा रहे हम लोग। चलो, तो मैंने जब डिफरेंशिएशन किया ना बच्चों, तब मुझे ये मिला। अभी सोचो, आंख बंद करके ऐसा सोचो कि मुझे ये पता नहीं, ये सारी कैलकुलेशन ना, ये पूरी कैलकुलेशन मुझे प्रोवाइडेड नहीं है, ऐसा सोचो। ठीक है, सोचो मुझे ये प्रोवाइडेड नहीं है, मुझे क्या प्रोवाइड किया गया, मुझे बोला गया कि भैया आपको ना एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम फॉर्मूला दे रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या है, 2t plus 2 है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में x of t क्या होना चाहिए, मतलब कि कौन से पोजीशन के फंक्शन का डेरिवेशन ये निकला 2t plus 2, वो आपको निकालना है। ठीक है, यहां पे x of t दिया गया था और आपको v निकालने को बोला गया, अभी यहां पे v प्रोवाइडेड है और बता पूछे कि x of t क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन यहां पे निकालने को बोली गई। तो मुझे पता है कि x of t क्या होता है, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो मुझे पता है कि x of t क्या होता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा x of t होता है इंटीग्रल v dt। यस नो, अभी v के तौर पे आपको क्या दिया गया है, यहां पे देखो 2t plus 2 प्रोवाइडेड है, सॉरी 2t plus 2 है, 2t2 लिख दिया है, 2t plus 2dt। ठीक है, इंटीग्रेशन का वापस वही रूल लगाते हैं, तो आइडियली क्या होना चाहिए बच्चों, अगर मेरे पास 2t plus 2 है तो इसका x of t रिस्पेक्टेड, x of t क्या होना चाहिए, x of t ये होना चाहिए, मतलब कि मुझे ये आंसर में आना चाहिए। सोचो और देखो क्या वो आंसर में मिलेगा, पूरा देखते हैं, ट्राई तो करते हैं, क्या आंसर हमें टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो पहला रूल, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की तरह इंटीग्रेशन भी एडिशन में सेपरेटली लगा सकते हैं, तो हमने यहां से इसको सेपरेट कर दिया। रूल नंबर थ्री, हाँ थ्री ही था ना, हाँ कॉन्स्टेंट वाला, कि कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो हमने कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। ठीक है, प्लस यहां पे भी कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, तो ये हो गया 1 dt। अच्छा, अभी इंटीग्रेशन करो, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t टू द पावर n वाला फंक्शन लगेगा, मतलब वो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या है, यहां पे देखो ये वाले स्लाइड में, एक पावर इंक्रीज करो डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। ठीक है, ये उसका इंटीग्रेशन है, तो यहां पे वही करते हैं, एक पावर इंक्रीज करो, तो मैंने इसका एक पावर इंक्रीज किया, तो 1 पावर था, इंक्रीज करने के बाद 2 हुआ डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, मतलब कि 2।
ठीक है, प्लस टू, वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अभी समझाए, टी होता है, ठीक है। देखो बच्चों ये टू टू तो क्या हो गया, छम्मा छम्मा हो गया, तो बचा क्या भाई साहब, टी स्क्वायर प्लस टू टी। ओ तेरी, जरा सोचो क्या यही एक्स ऑफ टी था हमारा, क्या यही एक्स ऑफ टी था भैया? ये एक्स ऑफ टी में तो मुझे दो ही टर्म मिली, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल एक्स ऑफ टी था उसमें तो तीन टर्म थी, उसमें एक मिसिंग टर्म यहां पे है, मतलब यहां पे एक टर्म मिस है, मिसिंग क्या बोल रहे हो सर, यहां पे एक टर्म मिसिंग है। यस और नो, मुझे टी स्क्वायर प्लस टू टी तो मिला, लेकिन थ्री नहीं मिला, उरी बाबा थ्री नहीं मिला, थ्री नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भैया ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना कांस्टेंट का, वो जीरो हो जाता है। तो यहां पे कौन सी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ, इसकी जानकारी हमारे पास यहां पे नहीं है। तो यहां पे इंटीग्रेशन करने से हमें कभी भी ये नहीं पता चलता है कि कौन सी टर्म ऐसी थी जो कांस्टेंट थी, जिसका डेरिवेशन जीरो हो गया था। यह सुनो, वो हमें पता नहीं होता है। यस नो, इंटीग्रेशन से हम वो नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ था वहां पे, जब डिफरेंशिएशन करते गए थे ना, जब हमने इसका डिफरेंस, जैसे यहां पे इसका डिफरेंशिएशन किए थे, तब थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ था, लेकिन ये हम यहां पे इंटीग्रेशन करने से पता नहीं लगा सकते हैं। यस नो, इंटीग्रेशन के पास वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यस नो, इसीलिए हमें हमें यहां पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लिख लेते, प्लस सी। अगर कोई कांस्टेंट रहा होगा वहां पे, तो यहां पे हमने सी सी लगा दिया, सी मतलब कि कोई कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट रहा होगा तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, वी डोंट नो अबाउट दैट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पे इन जनरल सेंस में सी लगा देते हैं, हमें क्या पता वहां पे कोई कांस्टेंट था कि नहीं था। यस नो, हो सकता है वहां पे कोई कांस्टेंट था, कितना था वो भी पता नहीं है, वो इंफॉर्मेशन हम इंटीग्रेशन से नहीं पता लगा सकते, इसीलिए यहां पे एवरी टाइम आफ्टर द इंटीग्रेशन प्लस सी लगाते हैं। क्लियर हुआ? तो वाई प्लस सी इज देयर, आई बात समझ में अभी क्लियर हुई यहां पे, ठीक है। तो वाई प्लस सी, आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पे एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखते जाएगा। देखो आगे वाला जो डेरिवेशन का जो भी था उसका भी एग्जाम्पल, और ये न्यूमेरिकल्स था उसका भी, सॉरी इंटीग्रेशन उसका भी एग्जाम्पल, जो भी हम यहाँ पे देखेंगे ना, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, मतलब उसको आपको नोट में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है, वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। इसका सिर्फ पर्पज इतना ही है, वो क्वेश्चन आपको कहीं पे आएगा ये जरूरी नहीं है, यहां पे वो जरूरी नहीं है। जो रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो तो हमारी एक्सरसाइज में हम एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इसकी कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं करनी है, या फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करूं और आप उसको सॉल्व करो, नहीं, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि भाई कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि रियल क्वेश्चन तो हमें एनसीईआरटी की किताब में से मिलेगा, यस नो, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे ना, अच्छे से करेंगे, लेकिन यहां पे आपको इतना समझ में होना चाहिए कि भैया इंटीग्रेशन करते कैसे। बाकी सारी जो भी जेडब्ल्यू नीट के लेवल पे, अगर आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया तो वहां पे जेडब्ल्यू नीट में साथ मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे आप देखोगे डिटेल में, यस नो, हमें यहां पे जितनी जरूरत है उतना ही देखेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिखने की जरूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन नोट्स के तौर पे आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, कि अच्छा ऐसा कोई फंक्शन आता तो इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, ठीक है। एक दो ही एग्जांपल यहां पे देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, यस और नो, आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बस दैट्स इट। वो रूल्स सभी पता होने चाहिए, दैट्स इट। स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स और उन दोनों के रूल, इतना पता होना चाहिए। और उसमें मैंने चार चार ही तो दिए कि साइन का इंटीग्रेशन क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस का डिफरेंस, e टू द पावर t का क्या है, लॉग t का क्या है, वो सारी चीजें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, ठीक है, इतना ही काफी। हमारे लिए मैक्सिमम तो t टू द पावर n वो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन में t टू द पावर n एंड इंटीग्रेशन में t टू द पावर n, इतना समझ में आ जाए काफी है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। सर वो याद नहीं रहते, लेकिन वो इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो ये कंफ्यूजन आ जाता है। मैंने बताया ना यार, वाइसा वर्सा करते जाओ ना, इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है, इसका वापस ये दो उंगली वाली मेथड, इसका इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, बस ऐसे याद करो यार, ऐसे ही याद करना है तो सारे रूल्स याद हो जाएंगे। एक बार ट्राई तो करो भाई,
ट्राई करो उसके बाद मुझे बोलो, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल, दो ही न्यूमेरिकल देखेंगे जल्दी से। मान लो कि मुझे ना बच्चों एक वेलोसिटी के तौर पे एक फंक्शन दिया गया है, लेट्स से टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी प्लस ई टू द पावर टी। बताइए इसका एक्स ऑफ टी क्या हुआ होगा, मतलब कि इसका पोजिशन का फंक्शन क्या होगा, मतलब कि हमें x ऑफ t निकालने को बोला गया है, हमें पता है x ऑफ t कैसे निकलता है इसका इंटीग्रेशन करने से। तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल t स्क्वायर प्लस 1 बाय t प्लस e टू द पावर t, ठीक है dt, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस dt, ठीक है। अच्छा वो आगे वाले क्वेश्चन में ना यहाँ पे लिखा था, वो मेरा जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे, तो वो आपको दिखाई नहीं दिया था, तो अभी तो मुझे थोड़ा अंदाज आ गया कि इतने पोर्शन में मुझे नहीं लिखना है, ठीक है। चलो क्या है यहाँ पे मुझे मेरा वीडियो नहीं दिखता है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें सुपर इम्पोज हो जाता है, तो वो वीडियो में सुपर इम्पोज लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो इंटीग्रेशन का रूल बच्चों, इंटीग्रेशन को एडिशन में सेपरेटली लगा सकते हैं, तो इसको सेपरेट कर दिया, ये वन बाई टी डी टी सेपरेट कर दिए, प्लस इंटीग्रल ई टू दी पावर टी डी टी, ठीक है यहां तक। चलो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू दी पावर एन वाला, अभी याद करो एक पावर यहां पे इंक्रीज करना है, तो 2 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 3, और इंक्रीज्ड हुआ पावर डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या याद करो, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन यहां पे याद करोगे तो ये देखो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, कैसे याद रखोगे, लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या लॉग टी, क्लियर है। चलो ऐसे याद करो, चलो तो 1 अपॉन टी का यहां पे ये टी टू दी पावर एन मत लगाना कि इसको टी टू दी पावर माइनस वन लिखेंगे और फिर एक पावर इंक्रीज करेंगे, देख लो अगर इंक्रीज करने जाओगे तो क्या होगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, टी टू दी पावर जीरो तो वन हो जाएगा, समझो टी टू दी पावर जीरो तो वन हो गया लेकिन इंक्रीज हुआ पावर डिनोमिनेटर में तो लिखना पड़ेगा, और 1 अपॉन जीरो तो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यस नो। इसीलिए यहां पे टी टू दी पावर माइनस वन मत लिखेगा, जब भी 1 अपॉन टी आता है और इंटीग्रेशन होता है तो लॉग टी याद रखना है हमें, यस नो, यहाँ पे टी टू दी पावर माइनस वन मत करना, अगर करोगे ना तो आपको आंसर इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैंने तो गलती कर दिया, यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, लॉग टी होता है, चलो तो ये हो जाएगा लॉग टी, प्लस ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या, ई टू दी पावर टी, डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस सी, डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस सी, ठीक है प्लस सी, क्लियर है। चलो एक दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो अभी यहाँ पे साइन वाली टर्म भी लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मुझे दिया गया है बच्चों साइन टी प्लस ई टू दी पावर टी प्लस फाइव, चलो इसका इंटीग्रेशन मुझे बोला गया कि इसके रिस्पेक्टेड एक्स ऑफ टी क्या होगा, तो चलो एक्स ऑफ टी निकालते हैं। एक्स ऑफ टी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में लिखेंगे साइन टी प्लस ई टू दी पावर टी प्लस फाइव डी टी, चलो लिखते जाओ, इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करो, इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन टी डी टी प्लस इंटीग्रल ई टू दी पावर टी डी टी प्लस यहां पे इंटीग्रल फाइव डी टी। अच्छा साइन टी का इंटीग्रेशन क्या, साइन टी का इंटीग्रेशन तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन का या फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन, तो e टू दी पावर t ही होता है, यहां से पांच बाहर आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है, तो अंदर बचेगा वन, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस c, है कि नहीं, यस नो। चलो एक और क्वेश्चन देखो, जितना काफी है ना उतना ही हम यहां पे समझाएं, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना, ठीक है। इसके बाद और एक लेक्चर बनेगा इंटीग्रेशन का, डिफाइनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, वहां पे और एक लेक्चर में जिसमें लिमिट वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, वो हमारे लिए जरूरी होगा, इसलिए वो भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में। एक और लेक्चर ये मैथमेटिक्स के, देखो तीन लेक्चर मैथमेटिक्स के बीच में आए क्योंकि यहाँ पे जरूरी है भाई, ये जरूरी हो जाएगा, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपका जेडब्ल्यू नीट में मैथमेटिक्स कहां तक पहुंचा है, लेकिन मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे बीच में ये दो लेक्चर और एड कर दूंगा, ठीक है, ये एक और कल का एक लेक्चर मैथमेटिक्स का आएगा, उसके बाद खत्म, उसके बाद वापिस हमारे चैप्टर की ओर आएंगे। और जो हाँ हमारे जो डीपीपी का सॉल्यूशन है वो हम सैटरडे को हम उसको लेंगे, फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे संडे, जो भी होगा मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, ठीक है। चलो वेलोसिटी ऑफ टी, वी ऑफ टी,
डीपीपी मतलब हमारी जो एग्जाम गई उसका एमसीक्यू वाली जिसमें आपको डाउट्स है ना वो उसमें देखेंगे। चलो वी ऑफ टी, लेट्स से आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। कॉस टी प्लस लेट से ई टू दी पावर टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, फिर यहां पे तो वीडियो आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट 5। अगर वीडियो नहीं आया है, इतने में वीडियो नहीं आया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये कॉस टी प्लस ई टू दी पावर टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। चलो तो मुझे x ऑफ टी निकालना है, तो बच्चों मैं क्या करूं, x ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल v dt होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। सारी वैल्यू प्लेस करते जाओ, तो यहां पे ये cos t प्लस e टू दी पावर t प्लस t स्क्वेर प्लस 5 dt। मैथमेटिक्स सॉरी एडिशन का रूल भैया, इंटीग्रेशन एडिशन में सेपरेटली लगा सकते हैं, तो ये इंटीग्रल cos t dt हो जाएगा प्लस इंटीग्रल e टू दी पावर t dt हो जाएगा, यस और नो, प्लस इंटीग्रल यहां पे t स्क्वेर dt हो जाएगा, प्लस यहां से 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वीडियो नीचे तो नहीं आया होगा, इंटीग्रल 1 dt हो जाएगा, यस और नो। अभी कॉस का इंटीग्रेशन क्या, तो भाई साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या, साइन, तो यहां पे लगेगा साइन t। e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही होता है, t स्क्वायर का एक पावर इंक्रीज करना है, तो t क्यूब डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, तो 3 प्लस 5। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t के रिस्पेक्ट में t ही होता है, डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस c, है कि नहीं। एक एग्जांपल होमवर्क के तौर पे ले, मान लो मुझे v ऑफ t बोला गया है, v ऑफ t इज t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो बताओ इसका x ऑफ t क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ t, यस और नो, मतलब कि v का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे आप। अरे भैया इसको देख के डरो मत, t प्लस 2 का होल स्क्वायर है, क्या आपको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है, ये होगा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ठीक है, तो ये एक्चुअल में v क्या प्रोवाइडेड है आपको, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ठीक है, ऑटो सेव में ये गलत होगा, ठीक है, प्लस 4, ठीक है, क्या अभी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो यहां पे बच्चों हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके जैसे और कोई बच्चे हैं जो यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई हमारा सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, फ्री में पढ़ना है, तो भाई उनको भी सब्सक्राइब करवाओ, यस और नो, ज्ञान जहां से बढ़ रहा है वहां से उठाते जाओ, यस और नो, फ्री में जहां से मिल रहा है वहां से उठाते जाओ, आफ्टर ऑल वो आपको कहीं ना कहीं काम ही आने वाला है, यस और नो, कभी तो काम आएगा ना, यस और नो, तो जहां से ज्ञान मिल रहा है उसको उठाते जाओ, यस और नो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय बाय।